नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुरादाबाद जनपद के काठ विधानसभा के रहने वाले छात्र अभिनव चौधरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिनव चौधरी से संवाद किया गया। अभिनव चौधरी वर्तमान में नवोदय विद्यालय बेंगलुरु में कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा पढ़ने लिखने के इच्छुक छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स साइट बनाई गई है, जिससे जरूरतमंदों को फ्री में किताबें मुहैया कराई जाती हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के परिजनों से और छात्र से बातचीत की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिनव चौधरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 1,00,000 की धनराशि भी अभिनव चौधरी को दी गई है। देखिए, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें पूरे देश से 29 बच्चे चुने गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के बालक अभिनव कुमार चौधरी का भी इसमें चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश से 2 बच्चों का चयन हुआ है, एक अलीगढ़ से और एक हमारे यहाँ से अभिनव कुमार चौधरी जी का। तो इसके लिए मैं अभिनव कुमार चौधरी जी, उनके माता पिता जी और पूरे जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। आज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के द्वारा डेवलप की गई है, उसके माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी ने कोविड को दृष्टिगत रखते हुए वर्चुअल मोड में इस कार्यक्रम को किया और इन बच्चों को सम्मानित किया और इन बच्चों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की। बहुत कुछ कहना चाहूँगी, ऐसे ही मेरा बच्चा आगे बच्चों की मदद करता रहे। मालूम है आपके बच्चे ने क्या किया है, क्या हासिल किया है? बस किताबें, जिन बच्चों को किताबें नहीं मिल रही उनकी मदद करी है उसने अपनी तरफ से किताबें। आज जो आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या हुआ है? उसका बाल विकास में पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हमें वो मैसेज गया तो हमारे, हमारा बच्चा बेंगलोर है इस टाइम हमारे साथ में। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र निरस्त होने पर आम आदमी पार्टी के मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूदा सिविल लाइन थाना पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां आम आदमी पार्टी के मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह ने हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उसके नामांकन पत्र में कुछ खामियां बताकर उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है, जिससे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। ये पर्चा हमने परसों दाखिल किया था, कुछ इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, दोबारा हमने एफिडेविट लगा के इसको फिर जमा करा दिया और हमें बताया गया कि 10 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, अगर कोई इसके अंदर कमी बेसी होगी आपको स्कूटरी के द्वारा बताया जाएगा और आप उसको दोबारा भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ करेक्ट 9:45 बजे पहुँच गया था, लेकिन 11 बजे तक जो हमारे रिटर्निंग अफसर हैं वो यहाँ पहुँचे नहीं और मैं 11 बजे तक वेट करता रहा। फिर जैसे रिटर्निंग अफसर आए, मेरा नाम बुलाया, नाम बुलाने के बाद मेरे को बताया कि ये आपका लागू नहीं है, यहाँ लागू नहीं है, 2 जगह आपने छोड़ दिया, इस आधार पर हम आपका पर्चा कैंसिल कर रहे हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद बालियान, अभी मीरापुर विधानसभा से हमारे जो कैंडिडेट ने फार्म जमा किया था और उसकी जो त्रुटि थी, कल भी इन्होंने इन लोगों ने कैंडिडेट को बुलाया यहाँ पर, कैंडिडेट ने अपने आके जो इसका एफिडेविट था एफिडेविट दिया, कल उन्हें कोई कमी नहीं बताई गई, कल कह दिया गया आपका फार्म ठीक है। आज भी 10 बजे कैंडिडेट सब बुलाए गए और कैंडिडेट सही 10 बजे अपने अपने काउंटर पर थे। जो अधिकारी हमारे यहाँ पर आरओ साहब हैं, वे आरओ साहब 10:45 बजे यहाँ पर आए और 10:45 बजे उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू की और हमारे कैंडिडेट को आवाज़ लगाई और फार्म हाथ में पकड़ा दिया बिना किसी उसके कि आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया है। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। शहर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना और बिलासपुर विधानसभा सीट से सरदार वल्लभ बलदेव सिंह औलाख, मिलक विधानसभा सीट से राजपाला नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। नामांकन के गेट पर सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल ने जगह जगह चौराहों पर रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस बार फिर तालिबानी विरासत और दंगे और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ होगा। अरे यार, आईडी और जो तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत रही है, उसका सुपड़ा साफ करने में
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैंने जो कहा कि आज कभी बहुत पहले हुआ करता था जो सांप्रदायिक और सोच से भरपूर MY फैक्टर था, आज का MY फैक्टर जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। और ये MY फैक्टर जो है वो मोदी जी का है और योगी जी का है। और ये MY फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान, उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। आज जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बैतों का, उसमें बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है। हमीरपुर में 25 जनवरी यानी कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। नामांकन स्थल बैरिकेटिंग का निरीक्षण किया। हमीरपुर सदर विधानसभा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। हमारे जनपद में 228 हमीरपुर और 229 राठ दो विधानसभाओं का नामांकन कल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन के पुख्ता व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बैरिकेटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नामांकन कक्षों में साफ सफाई के साथ साथ CCTV कैमरा भी लगवाया गया है। फरुखाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां थाना कमालगंज क्षेत्र के सिंगी रामपुर कटरी में किशोरी का 10 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उसको बेरहमी से मारा पीटा गया, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के नाजुक अंग के अलावा गला, गले, पैर के पंजों में, नाक, होंठ और सीने पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चोटें पाई गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। फतेहपुर जिले में प्रधान द्वारा बनवाए जा रहे नाली खड़ंजे के काम को गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने रुकवा दिया और प्रधान को नाली ना बनाने की धमकी दी। प्रधान ने जब थाना पुलिस से शिकायत की गई तो मामले की जांच और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बजाय उल्टे प्रधान को धमकाकर थाने से भगा दिया गया। परेशान प्रधान ने पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह से मिलकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के मर्दनपुर गांव में कुछ दिन पहले प्रधान सुनीता यादव गांव का विकास काम करवा रही थी। नाली और खड़ंजों का काम चल रहा था, तभी गांव के पवनीश, राजेश और राम बहादुर ने नाले का काम रुकवा दिया और जबरन नई ईंट अपने दरवाजे से लगा ली, जिसको लेकर उसने शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। यहाँ रोड बन रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है, तो कुछ लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इसमें पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। क्या व्यवधान पैदा कर रहे हैं? व्यवधान पैदा कर रहे हैं, नाली नहीं बनने दे रहे हैं, पानी नहीं निकलने दे रहे। आज यहाँ पर मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि चुनाव बाद कुछ हो पाएगा, अभी फिलहाल आपको रुकना पड़ेगा। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है, मेरी यादव, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुंच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है? मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है?
तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे की डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस वार्ता नजर आई, जहां पर कांग्रेस ने भाजपा पर आचार संहिता की धज्जी उड़ाने का आरोप लगाया। कहा कि कैराना में अमित शाह के रोड शो में हजारों लोग शामिल थे, जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे। क्या चुनाव आयोग भी भाजपा के दबाव में काम कर रहा है? दिल्ली में जहां पर 1971 में अमर जवान ज्योति जल रही थी, उसे बंद कर वहां मूर्ति लगाई गई। हम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी है, हमें मालार्पण करने से रोका गया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम मीडिया पर भरोसा जता रहे हैं कि वो सच्चाई सामने लेकर आएंगे। मथुरा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मथुरा पुलिस के हत्थे छुड़े सॉल्वर गैंग और यूपी टेट की परीक्षा में लगातार ये सक्रिय थे और कई सालों से सक्रिय नजर आते हैं। मथुरा पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने छानबीन की और 10 लोगों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग राजस्थान के रहने वाले थे और करीब उनके पास से 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ईटी का एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इसकी गंभीरता को समझते हुए और इसको सुचितापूर्वक इसको करवाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार सुबह सुबह से ही अपनी ड्यूटियों पर इसको मॉनिटर कर रहे थे। कोई भी ऐसे अनफेयर मीन्स के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त कर रहे थे। इसी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक एग्जाम सॉल्वर गैंग मथुरा में आकर के और पहली पाली का जो एग्जाम दिया जा रहा है, इस सूचना को डेवलप करते हुए सीओ सिटी की अध्यक्षता में एक व्यापक टीम इसमें लगाई गई। सहारनपुर नगर सीट से प्रत्याशी और पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सहारनपुर की नगर सीट से विधायक रह चुके संजय गर्ग ने भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2014 में सहारनपुर में हुए दंगों को लेकर मुख्य आरोपी के सपा में शामिल करने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में उनका स्वागत हुआ, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में उनका स्वागत हुआ, उस पूरी समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया है। सिख समाज ने उनका आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी और SSP की मौजूदगी में उनका अभिनंदन किया। तमाम मुकदमे जो उन पर लगे हुए थे, उन सभी मुकदमों में उन्हें बरी भी कर दिया गया है। जनता जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी के सारे आंकड़े। उसके अलावा निजीकरण ने जिस तरह से आरक्षण को चौपट कर सरकारी नौकरियों के दरवाजे इसमें आवाज आ जा कभी लोग इस बात को लेकर वोट देने का काम करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को किस तरह से बचाया जा सके।
देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 से 17 लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में कोविड 19 के 11,000 से ज्यादा नए मामले आने के साथ ही सोमवार तक राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 19 लाख से ज्यादा हो गई है। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार कोविड से हुई मौतों में से मुरादाबाद में 3 लोगों की जबकि वाराणसी और आजमगढ़ में 2-2 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में कोविड के 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्यों में संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 18 लाख से ज्यादा है। गुद्दरपुर विधानसभा में आप पार्टी के उम्मीदवार जनरल सिंह काली ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ में अपने परचम लहराने के लिए एक बैठक की। इस दौरान जनरल सिंह काली ने कहा कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किसी के साथ उनका मुकाबला नहीं है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप खुद सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कीजिए और आप इस चीज़ को भी देख ही सकते हैं कि पंजाबी समाज में एक मेरी ही टिकट हुई है। अगर वास्तव में और किसी की टिकट हुई होती तो लगता कहीं ना कहीं टक्कर हो सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ लगभग 50,000 पंजाबी समाज के लोग हैं और भी सारे समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं पंजाबी कैंडिडेट ही किया हूँ और मुझे तो लग ही नहीं रहा किसी से टक्कर है। तो गदरपुर का ये पूरा मामला जहां पर विधानसभा में आप पार्टी के उम्मीदवार जनरल सिंह काली ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ में अपने परचम लहराने के लिए एक बैठक की है। इस दौरान जनरल सिंह काली ने कहा कि उनके साथ किसी का मुकाबला नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जनता के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।